हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हमारा सिक्स्थ चैप्टर बनता है, ये छठा चैप्टर बनता है। अब मैंने अभी तक क्या स्टडी किया कि अगर मैं किसी वायर में से करंट पास करता हूं, देर इज अ फील्ड अराउंड द वायर। वायर मैग्नेटाइज नहीं होती, देर इज अ फील्ड अराउंड द वायर। व्हाट आई हैव रेड, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए वायर, ये इसको यही लिखते हैं, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए वायर, When current is passed through a wire, there is field around the wire. There is field around the wire. मैंने आपके फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर में यह सारा काम किया है, चाहे वो इन वन वे और अदर वे मींस मैग्नेटिक इफेक्ट की बात की थी। पहले मैंने कहा था कि आपका करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैंने कहा मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, दो चैप्टर किए मैंने फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों ही मैग्नेटिज्म पर डिपेंडेंट थे। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर, सेकेंड हमारा था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर, थर्ड हमारा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में ही मैग्नेटिज्म की डोमिनेंस थी। तो ये मैंने सारा काम किया आपके फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर में। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द रिवर्स फिनोमिनन, इसका रिवर्स, द रिवर्स फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट। अब यह ईएमएफ एक ही बात है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मुझे पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे मैं चेंज कर सकता हूं, वो बाद की बातें हैं। मैंने क्या कहा कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर था उस सारे में ही मैंने इनकी बातें की है, चाहे वो मैग्नेटिक मटेरियल से फील्ड निकाला मैंने, मैंने फोर्थ में तो स्पेशली इसी की बात की है सारी, फिफ्थ में फिर मैंने कहा जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया तो मैंने कहा भी मैग्नेटिक फील्ड को मैं वायर में से करंट पास करके बनाता हूं, तो ये कुछ मैग्नेटिक मटेरियल वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट भी है मेरे पास। तो जब मैंने फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर की बात की, दोनों को इंटररिलेटेड रखा था मैंने, दोनों के रिजल्ट यूज किए थे, दोनों के लॉ यूज किए थे। अब इसकी फर्दर एक्सटेंशन ये है कि इसका रिवर्स फिनोमिनन, द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट ऑब्लिक ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले तो ये मेरे यू कैन से चैप्टर का नाम का सिग्निफिकेंस है। अब मुझे स्टडी करना है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स स्टडी करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, बात करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी इन द सेम वे हेयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स, वही सिंबल फाई यूज करूंगा। अगर मुझे दोनों इकट्ठी यूज करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो वहां फिर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट कर दूंगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से। अगर मैं इंडिपेंडेंटली यूज कर रहा हूं तो दोनों के लिए आप सिर्फ फाई लिख सकते हो, उसमें कोई यू कैन से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक्स में आपको फाई बी लिखा मिलेगा, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस। मैंने क्या कहा है, अगर मुझे दोनों इकट्ठे यूज करने पड़ते हैं तब मैं इनकी डिस्टिंक्शन कर दूंगा कि भाई ये मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर मुझे एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है एट ए टाइम, आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो मैं सिंपल फाई भी यूज कर सकता हूं, राइट। नाउ व्हाट इज फ्लक्स, वो क्या कहता है, कोई बात नहीं, कहता है लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द गिवन एरिया, प्रोवाइडेड एरिया बींग हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बात की थी, ये मान लो मेरे पास लाइन ऑफ फोर्स है,
ठीक है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, मींस लाइन ऑफ फोर्स परेंट एरिया, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है और ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ कॉइल ए है। तो कहता है जो फाई है दैट इज बी इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इक्वल टू बी इंटू ए। इन सिंपल लैंग्वेज, लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कॉइल इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, के मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी जितनी लाइनें लिंक्ड हैं। अब मैंने ये कह दिया कि बी जो है मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन फी लाइन ऑफ फोर्स परेंट एरिया, तो परेंट एरिया इंटू एरिया, तो टोटल लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द गिवन एरिया आ गई, दैट इज योर फ्लक्स। सेकेंड, हमने ये भी कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इफ सपोज एरिया इज नॉट हेल्ड नॉर्मल टू फील्ड, तो कोई बात नहीं जी। तो वहां भी क्या कहा था आपने, एंगल बिटवीन एरिया ऑफ कॉयल एंड फील्ड में एंगल निकाल लो, ये एंगल सपोज थीटा है, इस ए को मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज माय एरिया, ओवर हेयर दिस इज माय एरिया, दिस इज अगेन बी मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक हो गया, और ये आपका एरिया बन गया। अब ये नॉर्मल टू एरिया है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक हो गया बच्चा जी। अब व्हाट इज फाई, यहां पर क्या बन जाएगा, इस कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग द एरिया कितना बन जाएगा, बी कॉस थीटा बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू ए, और फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यही बन जाएगा बच्चा। इट मीन्स फ्लक्स मीन्स, अब देखो इट इज अंडरस्टूड कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, इट मीन्स फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं, लेकिन इट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉयल, ऐसे भी आ गई मेरे पास ये। अब वो कहते हैं अगर आपके पास एरिया आर्बिट्रेरी और लार्ज है, तो कहता है कोई बात नहीं, फिर उस समय क्या करो, ये मेरा एरिया है, कहते हैं स्मॉल एरिया पे कैलकुलेट करो, सबसे पहले ये स्मॉल एरिया है, इस पे एन कैप ड्रॉ करो, आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, कहता है ये बन जाएगा आपका। अब कहता है सपोज यहां डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंगल दोनों के बीच का थीटा है, तो पहले यहां पर इस छोटे से एरिया पे फ्लक्स निकालेंगे, तो डेप्थ विल बी डी फाई, क्या हो जाएगी बच्चा जी, वो बी डॉट डी एस हो जाएगी, राइट। आपको तो कंप्लीट एरिया पे चाहिए, तो दैट विल बी लाइक दिस, इंटीग्रेशन ओवर ए कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया वाला लगाया मैंने, इसलिए क्लोज कर दिया उसको, या चलो कंप्लीट एरिया की बात करते हैं, ओवर कंप्लीट एरिया दैट विल बी बी डॉट डी एस, आप चाहो तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, एक तो मेरा वेरिएबल एरिया वाला है, एक मेरा यूनिफॉर्म एरिया का नॉर्मल टू फील्ड है, एक यूनिफॉर्म एरिया का इंक्लाइन टू फील्ड है, और एक मेरा आर्बिट्रेरी फील्ड वाला हो गया, जहां जो सिचुएशन है वैसे मैं फ्लक्स को कैलकुलेट कर लूंगा। अब वो क्या कहते हैं, फ्लक्स को मेजर कैसे करते हैं, यूनिट्स क्या होंगे इसके, क्योंकि जब बात बात कुछ पता होना चाहिए। अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट्स क्या होंगे भाई, हाँ जी पहले भी बढ़कर आए हैं, तो फ्लक्स यूनिट्स क्या बन जाएंगे बच्चा जी, ये होते हैं वेबर, अगर हम बात कर रहे हैं एमके सिस्टम की, अगर सीजे सिस्टम की बात करोगे, दिस इज इन एमके सिस्टम, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले फील्ड को वेबर परमीटर से नहीं लिखा हो, उस समय मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड को, वहीं से निकलेंगे ये। और अगर आपने बात करनी है सीजे सिस्टम में, तो ये था मैक्सवेल, मैक्सवेल इन सीजे सिस्टम, और वन वेबर इज इक्वल टू 10^8 मैक्सवेल होता है बच्चा जी। अब ये कहां से आएगा, सारा कुछ देखना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं थोड़ा सा, लो जी। अब मैंने कहा ये दोनों में रिलेशन कहां से आ गया, कोई बात नहीं, उस रिलेशन की बात कर लेते हैं। फील्ड को मैं बढ़कर आया हूं, मैंने ये निकाले हैं सारे यहीं से निकाले भी, आपने कहा फाई इज इक्वल टू बी इन टू ए, व्हाट इज बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, ये वेबर आगे मैंने यहीं से निकाले हैं, कहीं नहीं, कहीं और नहीं गया निकालने के यूनिट्स को, मैं सिर्फ मैंने सीजे सिस्टम को एक नाम दिया नया आज,
फील्ड क्या था बच्चा जी आपका, ये फील्ड क्या होता था? वैसे टेस्ला में होता था, तो दिस इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अब मैं उधर घुस रहा हूं, व्हाट इज टेस्ला, कितना होता है भाई? हां जी, टेस्ला कितना होता है? या पहले फील्ड की बात करते हैं, फील्ड की, या ऐसे कर लो, एक ही बात है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसको मैंने क्या नाम दिया भाई? वेबर नाम दिया। देख लो अभी आपके सामने है, इसी को नाम वेबर दिया जब एमके सिस्टम की बात की है। तो व्हाट इज वन वेबर? इट मींस वन वेबर इज इक्वल टू वन टेस्ला मीटर स्क्वायर। व्हाट इज वन टेस्ला? इज इक्वल टू 10^4 गॉस। यही पढ़कर आया हूं। व्हाट इज मीटर स्क्वायर? 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 10^8 गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इस गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? हां जी बच्चा जी, मैक्सवेल बोलते हैं, राइट? इसको मैक्सवेल बोलते हैं। तो हम इसलिए कहा हमने वन वेबर इज इक्वल टू 10^8 मैक्सवेल। आर यू गेटिंग इट? मैंने कहा फाई फील्ड टेस्ला में है और ये मीटर स्क्वायर में है, और मैंने कहा मेरे पास बी का ये फॉर्मूला भी है, ये यूनिट्स में बी के, और मैंने कहा खाली वेबर बच के। इट मींस वन वेबर बराबर है दिस मच। अब वन वेबर बराबर है दिस मच, 10^4 गॉस इंटू 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने कहा 10^, इसको एक नया नाम दे दिया मैक्सवेल, तो जो आपके सीजर सिस्टम के यूनिट्स है। कोई डाउट हो बच्चा? इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? अब इसके डायमेंशन फार्मूले की भी बात करनी है मुझे, उसकी भी बात कर देते हैं, डायमेंशन फार्मूला। क्योंकि मुझे अगर फ्लक्स के बारे में सब कुछ पता होगा तभी मैं आगे चल सकता हूं। डायमेंशन फार्मूला, राइट? उसको मैं कैसे लिखूंगा? व्हाट इज फाई बी इंटू, अब बी का मुझे या तो याद करूं या कहीं से निकालूं, तो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज एफ क्यू वी बी? लॉरेंट्स फोर्स। व्हाट इज बी? एफ बाय क्यू वी। अब मुझे सब कुछ पता है। व्हाट इज एफ? एम एल टी माइनस टू। व्हाट इज चार्ज? सी। व्हाट इज वेलोसिटी? एल टी माइनस वन। व्हाट इज एरिया? एल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस वन सी माइनस वन। देखो जी, एम एक आ गया, ये एल सी एल कैंसिल हो गया, ये एल टू टी कैंसिल, एक माइनस वन सी माइनस। ये कहां आया है? इन कौन से सिस्टम है? ये एम के सिस्टम में। अगर आपने, आपसे एस आई सिस्टम में पूछा जाएगा तब आप यहां चार्ज की बजाय इन टर्म्स ऑफ करंट लिखोगे, फिर आप इन टर्म्स ऑफ करंट लिखोगे। ये हम बता चुका हूं मैं पहले आपको, जब डायमेंशन की बात की थी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, कि चार्ज की दो रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ योर डायमेंशन। एक तो सी है कूलम, दैट इज इन एम का सिस्टम, लेकिन अगर मुझे एस आई सिस्टम में बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है, अब इसको चेंज करना है वो यहां कर देते हैं। फोर्स एम एल टी माइनस टू, व्हाट इज चार्ज? ए इंटू टी, करंट इंटू टाइम, सॉरी करंट इंटू टाइम इज योर चार्ज, क्योंकि व्हाट इज करंट? क्यू बाई टी। सो व्हाट इज योर, सॉरी व्हाट इज क्यू, तो व्हाट इज क्यू? आई इंटू टी। ये आपका बन गया चार्ज के, ये ऊपर है फोर्स के, वेलोसिटी के एल टी माइनस वन, एरिया के एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब अगेन एल सी एल कैंसिल हो गए, एक तो ये, पहले तो एम आ जाएगा, एल टू आ जाएगा, ठीक है जी। ये टी सी कैंसिल हो गए, टी माइनस टू आ जाएगा और ए माइनस वन आ जाएगा। ये यूनिट्स आपके हो गए हैं इन, सॉरी डायमेंशन हो गए इन एस आई सिस्टम। आप चाहो तो यहां पर भी पुट कर सकते थे इसको, ए सी के ए टी है ना, तो यहां पर भी इसके ए टी पुट कर दे, तो ए माइनस वन टी माइनस वन टी माइनस चल जाके टी माइनस टू हो जाता है, जैसे यहां हो गया। ये आपकी मर्जी, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा? जो फ्लक्स है आपकी, दैट इज लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द गिवन एरिया, उसको कैसे कैलकुलेट करना है पहले उसकी बात कर ली। अगर एरिया नॉर्मल है तो सिंपल कर दो बी इनटू ए, अगर एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर स्मॉल एरिया मतलब एरिया आर्बिट्रेरी, आर बी आपका एरिया आपका इरेगुलर शेप का है तो उसको ऐड कर करके निकाल लो,
उसके यूनिट्स क्या होंगे, उसकी डायमेंशंस क्या होंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी मुझे हर मोमेंट पे यूज करनी है इस चैप्टर में भी और अप टू सर्टेन एक्सटेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर जहां पर आप ऑल्टरनेटिव करंट की बात करेंगे वहां पर भी यूज करनी पड़ती है मुझे थोड़ी सी है। जब वो वेरिंग करंट्स है तो अगर वेरिंग करंट्स वेरिंग फील्ड बनेंगे, वेरिंग फील्ड होंगे तो फ्लक्स वहां भी आ जाएगी, वहां भी बैक ईएमएफ वगैरह आएगी। कोई डाउट हो आपको, मैंने सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई डाउट हो आपको, जिसकी नोटेशन मैंने कहा था आप चाहो तो फाइव बी पुट कर दो, और फिर मैंने ये भी कहा आपको कि जब आप अलग अलग डील कर रहे हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को तो दोनों में सेम नोटेशन भी चला सकते हो। चले बेटा आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फैराडेज ने फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो मैंने अभी कहा है, मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में लिखा है द रिवर्स फिनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट फ्रॉम मैग्नेटिक बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए उस ईएमआई को बताने के लिए, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आपको हर बुक में यही मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर वन एंड एक्सपेरिमेंट नंबर टू, कोई नाम नहीं है इनके, दो एक्सपेरिमेंट किए फैराडेज ने। अब वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको देखते हैं थोड़ा सा। फैराडेज ने क्या कहा कि अगर मेरे पास एक कॉयल है, या थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, ये मेरे पास एक कॉयल है और मैंने इसके साथ लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्या लगा दिया इसके साथ, एक लगा दिया मैंने एक गैल्वेनोमीटर, फिर दो बंदे एक और ले ली मैंने ताकि जस्ट टू शो आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए चीजों की, दो ले ली मैंने। यहां पर तो हेल्ड कर लिया मैंने एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल टुवर्ड द कॉयल है, और यहां पर एक मैग्नेट हेल्ड कर लिया जिसका साउथ पोल टुवर्ड द कॉयल है, दो मैग्नेट हेल्ड कर लिया। कहते हैं जब इस मैग्नेट को टुवर्ड द कॉयल मूव करता हूं, टुवर्ड द कॉयल डिफ्लेक्शन आ रही है सपोज इस डायरेक्शन में, जब मैग्नेट को टुवर्ड द कॉयल मूव करना शुरू करता हूं, इस इट शोज डिफ्लेक्शन इन सर्टेन डायरेक्शन से टुवर्ड राइट मान लिया मैंने, क्योंकि जब आप चाहो तो लेफ्ट में भी रख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और जब इसका साउथ पोल मूव किया तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट आ रही है, ठीक है। अभी चलो आपकी कन्वीनियंस के लिए दो फिगरें और बना देता हूं मैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए दो फिगरें और बना देता हूं मैं। अब इसका वही नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये इट इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस, हालांकि मैं मेरा काम दो फिगरों से चल जाएगा, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने फिगरें चार बना दी भाई। अब इसको अवे मूव किया, इसको अवे मूव किया, जब इसको अवे मूव किया इसकी डिफ्लेक्शन ये वाली हो गई है, जब इसको अवे मूव किया इसकी डिफ्लेक्शन ये वाली हो गई है, मींस डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे भी डिपेंडेंट है, ये टुवर्ड था राइट, ये अवे है तो लेफ्ट, ये टुवर्ड था तो लेफ्ट, ये अवे है तो राइट, देख लो पहली बात। नंबर टू, वो कहता है अगर मैं मैग्नेट को टुवर्ड द कॉयल या अवे फ्रॉम कॉयल मूव करता हूं तो डिफ्लेक्शन आती है। नंबर टू, वो डिफ्लेक्शन पोलैरिटी डिपेंडेंट भी है। नंबर वन, अगर मैं मैग्नेट को मूव करता हूं टुवर्ड द कॉयल, डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है, और वो डिफ्लेक्शन पोलैरिटी डिपेंडेंट है, नॉर्थ में अलग है साउथ में। अगर अवे मूव करता हूं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, मीन्स वो डिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंडेंट भी है, पोलैरिटी डिपेंडेंट भी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनको देखो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंडेंट भी है, टुवर्ड में कुछ और है, अवे में कुछ और है। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन, सॉरी, कि पोलैरिटी डिपेंडेंट भी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंडेंट भी है। नंबर टू, वो कहते हैं अगर मैग्नेट को मैंने मान लो मूव किया नीचे और फिर जाके स्टेशनरी कर दिया, तो द मूवमेंट द मैग्नेट इज स्टेशनरी, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। मतलब जब तक मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तब तक डिफ्लेक्शन है, जैसे ही रोक देता हूं डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। नंबर थ्री, अब वो क्या कहता है,
अगर मैं मैग्नेट को फास्ट लेकर आता हूं तो डिफ्लेक्शन की मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, अगर मैं डिफ्लेक्शन को फास्ट लेकर आता हूं तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। क्यों? अब हो क्या रहा है यहां पर, ये जो मैग्नेट है, इस नीचे बनाता हूं फिर मैं अगेन, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाऊंगा, या चलो थोड़ी स्पेस सही है मुझे, इसको रब कर लेते हैं, इनको रब कर लेते हैं। मैग्नेट के केस में क्या है, दिस इज योर मैग्नेट, उससे लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है और क्या है। तो देखो जब कॉयल के पास लेकर आओगे आप मैग्नेट को, ये कॉयल बनाइए, शुरू में तो ये कम कॉयल में से पास करेंगे लाइन, जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक आएगा तो लाइन ज्यादा पास करेगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे लाओगे ये एरिया इसका, अब यू कैन यूज द वर्ड एफ्लक्स, इसका यहां एफ्लक्स एरिया इतना है, तो जैसे कम हो रहा है एरिया एफ्लक्स का, मीन्स कम मीन्स अब इसका एरिया फिक्स है कॉयल का, तो ज्यादा लाइनें पास कर सकती हैं कॉयल में से। इसका मतलब जब मैग्नेट जितना नीचे जल्दी आएगा उतना चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा। अब पहले यहां क्या था, भाई शुरू में एक लाइन पास की, सिर्फ यही वाली पास की, छोटा है, सपोज कॉयल का एरिया छोटा सा है, पहले एक लाइन पास की, थोड़ा ऊपर गए, दो लाइनें पास कर गई, और ऊपर गए तीन, या भी दो चल रही हैं, यहां पर भी दो हैं, यहां चारों पास कर गई उसी एरिया में से, एरिया फिक्स रखा हुआ कॉयल का, तो पहले एरिया में से मान लो एक लाइन पास कर रही है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पहले स्लोली काम कर रहे थे आप, भाई आप मैग्नेट को ला रहे हो नीचे, तो धीरे धीरे पहले एक लाइन पास कर रही है, फिर दो लाइन पास कर रही है, फिर तीन, फिर चारों पास कर गई, आगे पांच छह नहीं होंगी। लेकिन अगर मैग्नेट को फास्ट लाओगे तो रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, नंबर वन ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, नंबर टू ये पोलैरिटी डिपेंडेंट है, नंबर थ्री स्टेशनरी करते हो तो जीरो आ जाती है, नंबर चार अगर फास्ट मूव करते हो तो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो फैराडेज ने यहां से फिर लॉ बनाए अपने, या भी एक्सपेरिमेंट दूसरा वो भी कर लेते हैं पहले साथ साथ, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था भाई। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, एक कॉयल ली, उसको वुडन कोर के ऊपर वाउंड किया, क्या किया उसने, वुडन कोर के ऊपर उसको वाउंड कर दिया। एक कॉयल है, ये कॉयल है, ठीक है जी, यहां लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, और हम इसको भी बताऊंगा आपको, ये दिखाते हैं लेकिन काम क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको मैं। ये एक बैटरी लगा दी और इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, बेसिकली एक ही वुडन कॉयल पे दो कॉयल बाउंड की हुई है आपने, लाइक दिस, एक ऐसे लाए, एक उधर चली जाएगी उधर, मतलब एक एक टर्न आपकी इस कॉयल की है, एक टर्न इसकी, इसको ऐसे म्यूचुअली कपल करते हैं और दोनों में इंसुलेशन होती है प्रॉपर लाइक दिस, लेकिन दोनों का फील्ड चेंज, इसका फील्ड चेंज इसमें से पास करेगा, इसका फील्ड चेंज इसमें से पास करेगा, राइट। तो दो कॉयल है, दोनों को आपने म्यूचुअली कपल करके, हम म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन एक ही वायर पे एक टर्न इस वायर कॉयल की, फिर नेक्स्ट एक टर्न इस कॉयल की, फिर एक उसकी, ऐसे दोनों को, लेकिन दिखाते हैं इसको ऐसे है। तो वुडन कोर के ऊपर मैंने इसको क्या किया, वाउंड कर दिया, ठीक हो गया बच्चे, वुडन कोर पे वाउंड कर दिया इसको, यहां पर एक की लगाई हुई है, की को इंसर्ट कर दिया, ये की को इंसर्ट कर दिया, क्या होगा, इस कॉयल में से करंट पास करेगा। हाँ जी, मैंने क्या कहा, करंट पास किया, जब कॉयल, अब जब करंट पास करेगा, अब ध्यान से देखना, करंट इन सब में से फ्लो करेगा, तो अब ये करंट की डायरेक्शन ऐसी बन जाएगी लाइक दिस, चेक कर लो भाई, करंट यहां से गया ऐसे फ्लो करता हुआ, ऐसे फ्लो करता हुआ नीचे वापस आ रहा है। हम क्या नोट करते हैं कि इसमें मोमेंटली एक डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन आ रही है, और बाद में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, मोमेंटली डिफ्लेक्शन आती है और वो जीरो हो जाती है। अब मैंने की निकाल ली यहां से, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अगेन इज देयर बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, मोमेंटली आती है और वो फिर जीरो हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन है फैराडेज की, ये फैराडेज के एक्सपेरिमेंट है, उसने करके देखे एक्सपेरिमेंट, ये ऑन इंसर्टिंग की डायरेक्शन ये है, ऑन इंसर्टिंग की, और ये ऑन रिमूवल है, ऑन रिमूवल ये डायरेक्शन है, ऑन इंसर्टिंग ये डायरेक्शन है। मैंने क्या कहा, उसने की इंसर्ट की, उसको एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिली, और डिफ्लेक्शन वो मोमेंटली मिलती है, जीरो हो जाती है। यहां फिर जब निकाल रहा हूं
तो मोमेंटली डिफ्लेक्शन है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है। वो कहता है यहां क्या हो रहा है। अच्छा अभी एक और चीज करता है, उसने क्या किया, मैंने कहा ये वुड की कोर थी पहले, वुड की, अब वुड की बजाय आयरन की कोर ले ली उसने। आयरन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ गया, आयरन में ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि आयरन जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। वही बातें आ गई, मैं पीछे मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ चुका हूं। कहता है यहां हो क्या रहा है, कहते हैं कि जब भी हम करंट को पास करते हैं कॉइल में से, करंट जो है वो मोमेंटली क्यों डिफ्लेक्शन आ रही है कि करंट को टेक्स सम टाइम टू इंक्रीज, जब वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उसकी, फिर देर इज फर्दर देर इज नो रेट ऑफ चेंज। तो जब तक करंट चेंज हो रहा था तो यहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको भी लिंक्ड था क्योंकि एक दूसरे के साथ ये कपल्ड है, यहां मेरे पास डिफ्लेक्शन आ रही थी। जब मैंने उसको निकाला तो करंट आपका ऐसे ही स्लोली क्या करता है, डीके करता है, इट टेक्स सम टाइम टू डीके। तो जब मैंने उसको इंसर्ट किया तब भी कुछ टाइम तक करंट राइज किया था, ड्यू टू राइज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड था, ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थी। जब मैंने की को निकाला तो वो डायरेक्शन रिवर्स हो गई आपकी, क्योंकि अब वो डीके कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा था अब वो डीके कर रहा है। नंबर टू, जब मैंने वुडन कोर को आयरन कोर से रिप्लेस कर दिया तो उस समय क्या हुआ बच्चा, जब रिप्लेस करने पे क्या हुआ कि इसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ने से फ्लक्स की जो यू कैन से इफेक्ट था वो बढ़ गया आपका, कोई डाउट। फिर फैराडे ने इन दोनों लॉ को करके एक अपना यू कैन से क्रक्स की फॉर्म में लॉ दिए। वो लॉ क्या थे, वो लॉ ये थे बच्चों जी, क्या थे, हम उसने नाम दिया हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम दिया हुआ है, फैराडेज लॉ ऑफ, ईएमआई वर्ड लगा दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा दो। नंबर वन, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर एंड लास्ट, और वो कब तक रहेगा, एंड लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज देयर। तो पहला लॉ बेटा, सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, एक वर्ड आता है, एक ही बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चा जी, पहली बात तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चों, कब तक है, जब तक आपके पास चेंज इन फ्लक्स है। नंबर टू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। मान लो पहले आपके पास फ्लक्स फाई वन थी, अब फ्लक्स फाई टू होगी है, तो व्हाट इज डेल्टा फाई मींस चेंज, उसको चलो मैं डी फाई से डिनोट करता हूं, दैट विल बी फाई टू माइनस फाई वन, और इस चेंज को टाइम क्या लगा, डी टी टाइम लगा, तो बाय डी टी, सो व्हाट विल बी डी फाई बाय डी टी। वो क्या कह रहा है, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को या ईएमएफ को एप्सिलॉन से डिनोट करते आए हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, कोई डाउट हो बच्चा जी।
और वो कहता है ये प्रोपोर्शनलिटी को जब मैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये मैं पढ़कर आया हूं। इस कांस्टेंट की वैल्यू हर सिस्टम के अंदर वन आती है, कहता है चांस की बात है। तो व्हाट इज ई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना दिस। अब मैंने तो वर्ड हर जगह मैग्नीट्यूड लगा दिया है, तो ये फैराडे ने बातें सारी, यहां तक सारी बात करने के बाद लेंजेज ने अपना एक छोटा एक वर्ड आएगा, लेंजेज लॉ आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर ये कहा उसने, ई अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करता हूं दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन वाइज। अब यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, द नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंजेज लॉ, और ये अपने आप में कंप्लीट आर्टिकल बन जाएगा। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, द नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विथ, यहां लिख रहा हूं लेंजेज लॉ भाई। अब ये अपने आप में कंप्लीट आर्टिकल आगे चल के, द लेंजेज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद, सॉरी द नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंजेज लॉ। मैं बार बार कह रहा हूं ये अपने आप में एक कंप्लीट लॉ है भाई आगे चल के, लेकिन चलो हम देखे करके बात करते हैं सारी अभी। तो फैराडे ने क्या कहा, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट और कॉइल चेंजेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर एंड लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज देयर। नंबर टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कोई साइन की बात नहीं करता वो। लेंजेज ने कहा कि भाई यहां पर साइन नेगेटिव आएगा, द नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंजेज लॉ। मैं ये कह रहा हूं ये कंप्लीट आर्टिकल का नया अभी आगे चल के कोई डाउट हो चलें आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज वेरियस मेथड्स ऑफ producing induced EMF। अब ये तो हमने पता लग गया कि induced EMF होती है अगर flux change होगी। अगर flux change होगी तो flux कैसे कैसे change हो सकती है, मैंने पढ़ा है what is phi b a cos theta, means या तो b को change कर दो या a को या theta को, और कोई method नहीं है। पहले बी की बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा है ये एक मैग्नेट है, इसकी ये लाइन ऑफ फोर्स है, निकाल देते हैं ऐसे इधर को। अब एक कॉइल बना रहा हूं बेटा मैं, ये एक कॉइल बना रहा हूं मैं, देखो जब जैसे से मैंने मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल मूव किया, लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कॉइल बढ़नी शुरू हो गई। पहले अगर मान लो कॉइल यहां थी तो कोई लाइन नहीं पास कर रही थी, जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आया एक लाइन पास की, फिर दो लाइनें होगी, यहां दो रही, फिर यहां के तीन होगी, चार होगी, एंड सो ऑन लाइनें बढ़ रही है। मींस बाय चेंजिंग फील्ड हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहां जब फिर इसलिए मैंने जब फैराडे एक्सपेरिमेंट में जब मैंने मैग्नेट को टुवर्ड और अवे मूव किया था तो फ्लक्स को ही चेंज कर रहा था मैं, बाय चेंजिंग एरिया की बात करनी है। मैंने कहा भी एक ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, ये एक फील्ड है भाई, राइट। इस फील्ड को मैं दो सिचुएशन में बना लेता हूं क्योंकि दो सिचुएशन दिखानी है मुझे, इसलिए मैंने पहले बाउंड्री ड्रॉ कर ली इस फील्ड की। एक सिचुएशन ऊपर वाली है, एक सिचुएशन ये वाली है। अब मुझे बाय चेंजिंग एरिया वाली बात करनी है। एक कॉयल थी वो बिल्कुल वेल विद इन द फील्ड पड़ी हुई है, फील्ड बी है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल इन दिस सिचुएशन, जो भी होगी कितनी होगी, बी इंटू ए हो जाएगी एरिया पूरी कॉयल का, चेक कर लो फ्लक्स बी। मैंने क्या किया, अब इस कॉयल को बाहर मूव करना शुरू कर दिया
और डिस्टेंस डीएक्स कॉइल का बाहर पुल करना शुरू कर दिया, इस कॉइल को मैंने बाहर पुल करना शुरू कर दिया विद सम वेलोसिटी, धीरे धीरे मतलब के, और टाइम डीटी के अंदर डीएक्स डिस्टेंस बाहर आ गई है ये। तो पहले ये फ्लक्स थी, नाउ व्हाट इज डिक्रीज इन फ्लक्स, ये एरिया सारा बाहर आ चुका है, कितना एरिया बाहर आ चुका है, सपोज ये लेंथ एल है भाई इसकी, ये मान लेते हैं ये लेंथ एल है, एल इंटू डीएक्स एरिया बाहर आ चुका है, तो बी इंटू एल डीएक्स इसकी फ्लक्स कम हो चुकी है, तो व्हाट इज फाइ टू माइनस फाइ वन, क्योंकि फाइ टू वाली फ्लक्स छोटी है। अब ये जो फ्लक्स इस एरिया, अब मैं एरिया को दो तरीके से दिखाता हूं, ये मैं एरिया को दो तरीके से दिखाता हूं, एक मैं शेड करता हूं, ये जो कॉइल के अंदर है, तो देखो पहले कॉइल के अंदर ज्यादा एरिया था, सॉरी फील्ड के अंदर पहले ज्यादा एरिया था, अब फील्ड के अंदर कम एरिया है, तो व्हाट इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एरिया कम है, तो इसलिए मैंने वर्ड लगा दिया फाइव टू माइनस फाइव वन इज इक्वल टू माइनस, या पहले पहले वर्ड लगाएंगे डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा माइनस एल डी एक्स, क्योंकि इतना एरिया कम हो गया, या वर्ड डिक्रीज है तो माइनस एन की जरूरत नहीं है, एल डी एक्स, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स दैट इज फाइव टू माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस साइन, यहां लिखना पड़ेगा मुझे नेगेटिव साइन एज एरिया डिक्रीजेस, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, नेगेटिव साइन एज एरिया डिक्रीजेस, पहले एरिया इतना था फील्ड के अंदर, फ्लक्स बड़ी लिंक्ड थी, अब एरिया इतना है, अब फ्लक्स कम हो गई है, अब कितनी कम हुई है, पहले मैंने कहा इतना एरिया डिक्रीज हो गया है, तो व्हाट इज चेंज, अब मैंने वर्ड यहां डिक्रीज, मैंने वर्ड चेंज लगाया वर्ड डिक, अगर वर्ड में डिक्रीज लगा दूंगा तो फिर माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो मुझे तो चेंज की बात करनी है, व्हाट इज एप्सिलॉन मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइ बाय डी टी, यही होता है बच्चा जी, तो माइनस साइन, व्हाट इज डी फाइ, दैट इज माइनस बी एल डी एक्स बाय डी टी, आपने कहा इन टाइम डी टी लेंथ डी एक्स बाहर आ गई, तो वेलोसिटी बन गई, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई डाउट हो बच्चा, ये आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गई है, यहां पर वो पॉजिटिव आ गई है, चांस की बात है, डायरेक्शन की बात तो करनी है कि वो किस इधर किस डायरेक्शन की बातें, वो मैंने की नहीं आपके साथ, अभी तो जस्ट मैंने मैथमेटिक्स कर रहा हूं सर। थर्ड है बाय चेंजिंग एरिया बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, उससे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, उससे भी थर्ड केस बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन है, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने अब उसको थ्रू पोल्स दिखा दिया, ये नॉर्थ पोल, उसके अंदर मैंने एक कॉइल को हेल्ड किया हुआ है लाइक दिस, सस्पेंड किया हुआ है, मींस कॉइल अभी मेरी आपकी नॉर्मल है, तो सारी लाइनें पास कर रही हैं, मैंने कॉइल को रोटेट किया, फ्लक्स लिंक्ड जीरो हो गई, मैंने ऐसे किया फ्लक्स लिंक्ड फिर मैक्सिमम हो गई है, लेकिन डायरेक्शन तो मैंने क्या बताया था आपको, कॉयल के नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है और फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड का एंगल देखना पड़ता है, जब तो ये था मेरा नॉर्मल, ये था फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एंगल कितना है जीरो, जब ऐसे हो तो एंगल कितना हो गया 90, जब ऐसे के तो एंगल कितना हो गया 180 एंड कॉस 180 इज माइनस वन, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई है अपने आप फ्लक्स की, तो भाई चेंजिंग ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, तीनों से निकाल सकते हैं भाई, बाय चेंजिंग फील्ड भी निकाल सकते हैं, बाय चेंजिंग एरिया भी निकाल सकते हैं, और बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन भी निकाल सकते हैं, मैंने सारा बात सॉरी सारी बातें मैंने कर ली, फ्लक्स कैसे बनेगी, क्या क्या तरीके बनाने के हैं, अभी तक मुझे अब ये बनी कहां, कहां बनी है ये, कहां बनी है ये ईएमएफ, बनी कहां है ये, उसके बारे में कोई बात नहीं की मैंने आपके साथ, मैंने कहा EMF is there. अब बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत ही यू कैन से वेरी सेंसिटिव इशू कि ये जो EMF है कहां बन रही है, इसको मुझे इमेजिनेशन कैसे करना है, जब मुझे आगे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो वहां कैसे अप्लाई करना है, तो ये EMF कहां बनी,
तो मैं बार बार क्या करूं, ये बना कहां है? अभी देखो आपने कहा ये ईएमएफ है, यही कहा आपने, तो ईएमएफ तुम ये पढ़कर आई, सोर्स ऑफ ईएमएफ ये रहा। जब तक मैं इसको किसी करंट सर्किट या रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं लगाऊंगा तब तक करंट नहीं बनेगा। तो ये बातें भी मुझे डिस्कस करनी है अभी, इंड्यूस्ड करंट कहां बना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां बनी है, सब डिस्कस करना है। अभी तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड कितना है उसकी बात कर रहा हूं, मैंने कहा इतना मैग्नीट्यूड है, लेकिन बना कहां है ये, वो बात नहीं मैंने आपके साथ की, ठीक है, वो बात नहीं की। चलो तो पहले इसकी डायरेक्शन निकालनी सीखते हैं कि बनेगा कहां ये, इसी कॉयल में बनेगा, इस कॉयल में बनेगा, पहली बात। अब डायरेक्शन इसकी कहां होगी वो भी देखनी है, डायरेक्शन कहां होगी वो भी देखनी है। अभी मैं कॉयल की बात करूंगा, फिर धीरे धीरे आगे चल के सिंगल कंडक्टर की बात भी करेंगे, ठीक है बच्चा जी? चलो चले आगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट बच्चा जी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहते हो सबसे पहले क्या करो, आप जो कॉयल है उसका एरिया वेक्टर फिक्स करो। मैंने अभी मान लो ऊपर को पॉजिटिव है, ये करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। आप चाहो नीचे हो ऐसे तो डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे अपने आप। तो मैंने तीन चार केस बना लिए, क्योंकि फील्ड इंक्रीजिंग भी दिखाऊंगा मैं, फील्ड डिक्रीजिंग भी दिखाऊंगा, सारे काम करूंगा मैं। सॉरी ये चार केस बना लिए। व्हाट इज माय फ्लक्स, क्या था भाई, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, व्हाट इज ई, माइनस डी फाई बाय डी टी, सो दिस इज योर बी ए कॉस थीटा, सो दिस इज योर माइनस ए बाहर आ गया, कॉस थीटा बाहर आ गया। मैं पहले सिर्फ फील्ड वेरिएशन की बात कर रहा हूं, डी बी बाई डी टी, दिस इज माई ई, ठीक है बच्चा। मान लो फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है, यहां पर भी फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहां पर फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहां पर भी, तो यहां ये एंगल थीटा है बच्चा जी, क्योंकि हमें बताया गया स्मॉलर एंगल काउंट करते हैं हमेशा, यहां ये एंगल बनेगा थीटा, यहां पर भी ये एंगल बनेगा थीटा, कोई डाउट हो। फील्ड बी है भाई, और फील्ड मेरा धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है फील्ड मेरा, तो व्हाट इज डी बी बाई डी टी, पॉजिटिव। एंगल कितना है, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव। एरिया कहां है, ऊपर को है, पॉजिटिव। वो तो इधर अपने पहले फिक्स कर लिया, क्योंकि एंगल ए और थीटा में निकाला है। तो व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आ जाएगी, भी सारा करके ये नेगेटिव आ जाएगी, चेक कर लो भाई। कॉस थीटा आपका पॉजिटिव है, एंगल एक्यूट है, क्योंकि डीबी बाई डी टी इंक्रीजिंग है, विद टाइम बढ़ रहा है, तो डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दिल विल बी नेगेटिव। कोई डाउट हो बच्चों जी आपको? अब नेगेटिव मींस जब मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया है, ये मैंने क्या कहा था पहले फिक्स करना है आपने, मैंने एरियल वेक्टर पढ़ा हुआ है, एक्सियल वेक्टर सॉरी, उसमें क्या कहा था भाई आपको, अगर एक्सिस ऊपर को कब होती है, अगर ये डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, चेक कर लो भाई, यही था ऊपर को, नीचे को ऐसे थी है। तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मींस क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट होगा यहां पर इस कॉइल के अंदर, कोई डाउट हो आपको, तो इस कॉइल में क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट होगा, कोई डाउट हो आपको, चेक कर लो भाई, क्लॉकवाइज ईएमएफ इस कॉइल में क्लॉकवाइज जनरेट होगी। अगर ये फील्ड आपका डिक्रीजिंग है, फील्ड पहले बड़ा था, अब धीरे धीरे छोट, यहां तो फील्ड बढ़ाया मैंने, इंक्रीज किया, यहां फील्ड डिक्रीज कर दिया मान लो, तो ये dB by dt नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव दो हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव मींस कहां होगी भाई, ये पहले
पहले आया था नेगेटिव, तो मैंने क्या कर दिया था उसको क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन मेरी ऊपर को एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। थर्ड केस, यहां पर फील्ड मान लो अगेन इंक्रीज हो रहा है, ये एरिया है आपका, दिस इज एरिया वेक्टर। अब जब फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो डीबी बाई डी टी आपका क्या है बच्चा जी, पॉजिटिव है, लेकिन कॉस थीटा क्या है, मोर देन 90 है, तो ये आपका नेगेटिव है, तो क्या बन जाएंगे, दो नेगेटिव मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा था मेरा फील्ड, पॉजिटिव ये वाला था, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भाई। फोर्थ के अंदर आ जाओ, अब फील्ड मान लो यहां पर कम हो रहा है, पीछे को आ रहा है, कम हो रहा है, फील्ड डिक्रीज, बी ये लिख देता हूं यहां पर, बी डिक्रीजिंग, यहां लिख देते हैं बी इंक्रीजिंग, आप चाहे उसको सिंबल से दिखा दो और चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी इंक्रीजिंग है और यहां डिक्रीजिंग है। तो डीबी बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा बच्चा जी, नेगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा ऑलरेडी, तो तीन नेगेटिव आ गए, मींस नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कब था भाई वो, अगर वो क्लॉकवाइज था, चेक कर लो। तो मैंने आपको अभी एक सिचुएशन दिखाई है, तो अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो हम ऐसे काम करेंगे, लेकिन मेरे पास तो सिचुएशन बहुत सारी आएंगी, डायरेक्शन भी, फील्ड भी चेंज हो रहा होगा, एरिया भी चेंज हो रहा होगा, उन सबको कैसे कर रहा है, वहां पे मेरे को फिर मदद मेरी लेंसेज लॉ करेगा, वहां मेरी मदद लेंसेज लॉ करेगा। तो लेकिन अगर मुझे सिंपल फ्लक्स की बात करनी है, फ्लक्स चेंज से, फील्ड चेंज से बात करनी है, तो मैंने आपको एक मेथड बताया है, सिंपलेस्ट मेथड बताया है, कि अगर मेरा फील्ड चेंज कर रहा है, मैंने सबसे पहले अपने एरिया जो कॉयल का है उसकी डायरेक्शन फिक्स करनी है, दोनों में एंगल मेजर करना है, फील्ड के अंदर फील्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से यहां मैं जूस मुझे पुट करना है, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा और क्लियर होगा ये, ठीक है, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो मैं फिर रिपीट करो, मैंने सबसे पहले क्या कहा है, एरिया की डायरेक्शन फिक्स करो, क्योंकि नॉर्मल टू एरिया तो होगा ही होगा, फिर डायरेक्शन फील्ड देखो, दोनों में एंगल निकालो, निकाल लिया, अब देखो क्या चेंज हो रहा है, यहां पर एरिया भी चेंज हो सकता था, फिर वो डी ए बाई डी टी आता, फील्ड फिक्स होता, एरिया कम हो रहा है ज्यादा होता है, फिर वैसे बात करते, कुछ भी हो सकता है, एरिया भी चेंज हो, मैंने एक से आपको निकाल के दिखा दिया इसलिए कि अगर फील्ड वेरी कर रहा है तो कैसे काम करना है, मे बी एरिया कम ज्यादा हो रहा हो उससे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पीछे आपको एरिया से बताया, मे बी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, पहले ओरिएंटेशन पॉजिटिव थी, बाद में ओरिएंटेशन नेगेटिव हो गई है, फील्ड वगैरह सब कुछ वही है, तो यहां तो दोनों काम कर दिया मैंने, आप देख लो चेक कर लो, मैंने ओरिएंटेशन को भी चेंज कर लिया दोनों नीचे फिरों के अंदर, कि ओरिएंटेशन का एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बात भी कर दी है, आपके साथ एरिया को फिक्स रखा मैंने बस, आप चाहो तो एरिया को भी चेंज कर सकते हो, फील्ड को फिक्स कर सकते हो, कोई डाउट होगा अच्छा जी इसके अंदर, चलें आगे। प्रॉब्लम देखो बेटा, एक कॉयल है जिसका एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर और इसकी जो टर्न्स हैं, मींस कॉयल पे वाउंड की हुई है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं 400 है, कहता है इस पे फील्ड अप्लाई किया मैंने कितना 0.04 टेस्ला का, इस फील्ड को मैंने जीरो कर दिया 0.01 सेकंड्स के अंदर, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, नथिंग अबाउट डायरेक्शन, ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछ रहा है, व्हाट इज ई, ई सॉरी एप्साइलन, व्हाट इज एप्साइलन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी फाइव बाय डी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा सिर्फ, तो व्हाट इज योर, आराम से बात करते हैं, फ्लक्स क्या होगी, पहले फाई निकालते हैं भाई, दैट इज बी ए कॉस थीटा, अब जो फील्ड अप्लाई किया दैट इज, मैं लिखना भूल गया यहां पर, नॉर्मल टू कॉयल अप्लाई किया भाई, नॉर्मल टू कॉयल मैं लिखना भूल गया बच्चा जी, नॉर्मल टू कॉयल मींस एंगल कितना है, 90 है, जीरो है, जीरो, तो इसका मतलब बी ए कॉस जीरो, तो B इंटू ए फील्ड, ये फ्लक्स आ गई भाई, नंबर ऑफ टर्न्स भी दी हुई है,
तो साथ में इसलिए फिर हम एन भी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है हमें, ये फ्लक्स है। फ्लक्स कितनी है शुरू में, एन हंड्रेड, बी कितना है 0.04 टेस्ला, एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स शुरू में थी कितनी, अभी ये सॉल्व करके 4 रह जाएगा तो सॉल्व करके 2 रह जाएगा, 2 वेबर की फ्लक्स है भाई, कोई डाउट हो। और ये मैंने इतने सेकंड में जीरो कर दिया, जब फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो पहले दो तरीके सोचता हूं, दिस इज 5-1, व्हाट इज 5-2-0, व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, दैट इज 5-2 - 5-1 इज इक्वल टू -2 वेबर आ गया। ये कितने टाइम में करी है आपने, दिस इज चलो -2 वेबर, तो व्हाट इज डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू -2 / 0.01। ठीक है बच्चा जी, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 200 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए था सिर्फ। ठीक है जी, तो कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया, चेक कर लो, मुझे दिस इज मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए 200। ऑल्दो वो यहां पॉजिटिव ही आ रहा, लेकिन बाद की बात है, मुझे उसने पूछा ही नहीं ना कितना है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा सिर्फ वो। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, व्हाट इज एप्सिलॉन डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एन भी बाहर आ गया, एरिया भी बाहर आ गया, कॉस थीटा भी बाहर आ गया, डी बी बाई डी टी, राइट। एन कितना है, इसको यही कर देते हैं 100, एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर, कॉस 0.1 होता है बच्चा जी, तो 0.04 / 0.01। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, तो ये आपका 4 आ जाएगा सॉल्व करके, ये सॉल्व करके 4 रह गया, तो 100 × 0.5 × 4 चेक कर लो, वही 200 वोल्ट आ गया। ये मैंने डायरेक्ट किया, ये मैंने एबी इनिशियो मेथड से किया, दोनों से कर दिया आपका क्वेश्चन, कोई डाउट हो बच्चा। मैंने क्या कहा, ये मैंने आपको कर दिखाया है ए बी इनिशियो मेथड से, कि पहले 5-1 निकाला, फिर 5-2 निकाला, फिर चेंज इन फ्लक्स निकाला, फिर टाइम से डिवाइड किया बाद में जाके, और वो सीधा निकाल दिया। आपकी मर्जी है, जैसे आपको इजी समझ आए वैसे कर लो, वो मेथड प्रेफरेबल है। मैग्नीट्यूड पूछेगा बाद में जाके, वो माइनस एन खत्म हो जाएगी, और यहां पर भी वो फील्ड आपका, अब देखो ना यहां पर मैंने गड़बड़ की है वैसे तो, क्योंकि फील्ड आपका हुआ है 0 - 0.04, बाद में फील्ड जीरो हुआ है, ये लिखना चाहिए था मुझे यहां पर, तो माइनस, और क्योंकि चलो माइनस की बात नहीं कर रहा है पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अदरवाइज आल्सो माइनस आई साइन एक ये थी और एक माइनस यहां होती है, या चलो आप इसको ऐसे करो, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल, इसको यहां लिखो, ये फैक्टर यहां लिखो 0 - 0.04, तो अपने आप सॉल्व करके पॉजिटिव आ गया ये, और अगर लास्ट में नेगेटिव आता तो आपसे वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बस। मैंने सारी चीजें बता दी आपको इस क्वेश्चन के अंदर, कोई डाउट हो, ठीक है। अब तो इसको यहां से मैं रब कर सकता हूं क्योंकि नीचे लिख दिया मैंने ये, कोई डाउट हो बच्चा जी, क्योंकि फील्ड पहले ये था बाद में ये किया उसने, फील्ड रिड्यूस्ड टू 0, तो ये बाद वाला फील्ड है, तो व्हाट इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज ऑलवेज अ फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक नेगेटिव साइन ये आई, एक नेगेटिव शुरू में लगी हुई थी इज इक्वल टू माइनस, एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये, तो पॉजिटिव बन गया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव होता तो यहां नेगेटिव रहता एक, लेकिन वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आपका आंसर 200 वोल्ट आता तब भी। ठीक है बच्चा, चलें आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉयल है जो मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हेल्ड की हुई है लाइक दिस वर्टिकली, मींस ऐसे पकड़ी हुई है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, सो दिस इज माय ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज माय वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ है।
फील्ड लगाया हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मींस ये एंगल 45 डिग्री का है, मतलब वो भी दोनों नॉर्थ ईस्ट, मींस दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। ठीक हो गया बच्चा, कोई डाउट हो? और ये एंगल भी 45 का, दोनों एंगल तो बराबर हो ना बेटा जी, फिर उसमें डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है वो, इसकी जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, इस कॉयल का इसके अक्रॉस जो फील्ड है वो है 0.1 टेस्ला का, विच इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन 0.7 सेकेंड। ठीक है, और इसका आज मुझे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.7 ओम। कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी पूछ ली, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, वो ईएमएफ की नहीं पूछ रहा, क्योंकि ईएमएफ निकालूंगा तो रेजिस्टेंस भी दे दिया उसने मुझे। अब यहां मुझे आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन। लो जी, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। चेंज तो मेरा फील्ड हो रहा है, लिखा हो देखो मैं, इसलिए दैट शोज के फील्ड चेंज हो रहा है, माइनस ए कॉस थीटा इन टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन गए। कॉस थीटा कॉस 45 है, चाहे अब जब डायरेक्शन पूछी थी तो मेरी ड्यूटी ये बनती थी, मैं जो है पहले कॉयल पे नॉर्मल प्लॉट करता, मेरी कॉयल पे नॉर्मल ये बनता, तभी मैंने जान के ये वाला एंगल भी लिख दिया था, एंगल ये वाला काउंट करना था मुझे, ना कि ये वाला, ये ध्यान रखना जरा, एंगल ये वाला काउंट करना मुझे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ इस एंगल को, तो एंगल विद नॉर्मल टू द कॉयल प्लॉट करते हैं हमेशा, तो 1/√2 डी बी बाई डी टी। अब कितना फील्ड हो गया, जीरो फील्ड हो गया 0.1 से और 0.7 सेकंड में, कोई डाउट हो? अब ये बन गया सॉल्व करके माइनस साइन 10⁻², इंटू 1/√2, इंटू -1/7, कोई डाउट हो बच्चा जी? माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, सॉल्व करके आ जाएगा ये 10⁻³ √2 इंटू 7, तो √2 कितना होता है 1.414 इंटू 7, तो रफली 10 आ जाएगा वो, तो ये 10⁻³ वोल्ट का आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्या बताया था आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव थी, क्योंकि मेरा ये ऊपर को आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पहली बात तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही करंट की बनेगी। अभी देख लेते हैं व्हाट इज, अब नाउ करंट व्हाट इज आई ई बाय आर, तो कितना है भाई वो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.7, तो मैं इसको 10⁻³ × 10⁻³ कर देता हूं, सो दिस इज 1.3 बच जाएगा, 7 × 4 = 28, फिर 2 बच जाएगा, 7 × 3 = इतने एम्पियर का करंट बन गया, और 1.3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई कॉयल में से, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, क्योंकि जो ईएमएफ की वही तो करंट की डायरेक्शन आएगी, चेक कर लो बच्चा जी। अभी इस क्वेश्चन में उसने जो रूल बताया था यूज करवा लिया आपसे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो पहले ईएमएफ की बता दो, वहीं से उसी वही ईएमएफ सोर्स ही तो करंट बनाएगा आपका, देखो कैसे, वो भी सुन लो अब आराम से बात करते हैं, उसको भी देख लो कैसे बनेगा वो। आपने कहा है ये मेरा एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, आराम से बात करूंगा मैं अब, या चलो ये बातें लेंजेस लॉ के बाद करेंगे थोड़ा और डिटेल में, अभी शायद यू वॉन्ट बी कंफर्टेबल, लेंजेस लॉ करने के बाद फिर वो डायरेक्शन की बातें करूंगा, अभी तो वो आप ऐसे समझो कि जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की है वही करंट की होगी, अभी तो ऐसे कर लो आप, कोई डाउट हो बच्चा जी? अभी क्योंकि जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग मेरा फिट बैठ गया,
कि मैंने कहा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव होती है एरिया के हिसाब से, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्कुलर कॉयल है, ए सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 500 टर्न्स इज प्लेस्ड प्लेस्ड विद इट्स प्लेन विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू या नॉर्मल टू, एक ही बात है, नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। The coil is rotated about its vertical diameter through 180 degree in, हाँ जी, कितना टाइम में, 0.25 सेकेंड, राइट। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट। गिवन है मेरे को रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल इज 2 ओम एंड बीएच मींस हॉरिजॉन्टल अर्थ मेटल इज 0.03 गॉस। ये दोनों चीजें दी है अभी पूछना मेरे को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक सर्कुलर कॉयल है, वो बात की बातें सारी, प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल, तो मान लो सपोज दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज माय पीएच, प्लेन तो ये होता है कॉयल का नॉर्मल टू दिस, मींस इनिशियली ऐसे कॉयल पकड़ी हुई है उसने, मेरे हाथ इसको पॉजिटिव मान लो, इन 0.25 सेकेंड वो उसने ऐसे कर दी है, और तो कुछ नहीं कह रहा वो, देख लो। तो वट इज, सबसे पहले 5-1 निकालो भाई, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है यहां पर, कितना होता है 5-1 बी ए कॉस थीटा, बी कितना भाई 0.32 इंटू 10^-4 कर लो भाई, टेस्ला बना दिए मैंने, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर मींस 10 सेंटीमीटर है भाई, तो 10^-2, ठीक है जी, कॉस 0 है भाई, कॉस 0-1 होता है, तो ये बन जाएगा 0.32 × 22 divided by 7 × 10^-6 और 32 × 22/7 × 10^-6। अब आराम से काम करना, ये 7 × 3 = 32, 3 = 90 रफली 100 बन जाएगा ये, तो रफली 10^-4 आ जाएगी फ्लक्स 5-1, चेक कर लो रफली 5-1 ये आ जाएगी। मैंने क्या कहा सॉरी -8 बनेंगे यहां पर, ये -6 कैसे भाई, 0.32 था ये, पहले -6 बना लिया, ये बन गया, इसको 100 कर दिया, -8 बन गया, 7 3s आएंगे, 3.14 आता है ये, तो 32 × 3 रफली 100 बन जाएंगे, तो 10^-6 कर दिया, फ्लक्स है ये 5-2, एंगल ऐसे कर दिया, वट इज कॉस 180 -1 होता है, तो वट विल बी 5-2 -10^-6 वेबर, ठीक है जी।
व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स डी फाइव फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस 10^-6 माइनस 10^-6 इज इक्वल टू माइनस 2 × 10^-6 इन हाउ मच टाइम 0.25, तो व्हाट इज एप्सिलॉन माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो एक तो माइनस ये वाली है, एक ये वाली है डिवाइडेड बाय 0.25, राइट। अब ये आराम से काम करेंगे, ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा 2 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 25 × 10^-2। इट कैन बी 20 × 10^-7, ये छोड़ो कोई बात नहीं, ये बन गया 2/25, तो 0.08 × 10^-2, इसको मैं यहां सॉल्व नहीं करता बेटा, इसको उठा के मैं, इसको उठा के मैं यहां आ रहा हूं भाई, इधर आ रहा हूं क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे, यहां आ गया भाई मैं, तो क्या बन गया 2/25 × 10^-4 और 200/25 × 10^-6 और 8 × 10^-6 अब साइलन आ गया, इतने वोल्ट पॉजिटिव आया, चेक कर लो पॉजिटिव आया है। व्हाट इज करंट ई बाय आर, तो 8 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 × 10^-6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा भाई। अब मान लो फिगर आपने बनाई ऐसे कि दिस इज माय कॉइल, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, तो यही बी है और यही आपका एन कैप है, एरिया कॉइल है। अब वो क्या कह रहा, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव इज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इसके अंदर से, कॉइल में से जो कॉइल पकड़ी है आपने इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो करेगा, डायरेक्शन हर जगह निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा धीरे धीरे चलूंगा चीजों को आगे लेके, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर। मैंने क्या कहा, यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव आ गई है सॉल्व करके, कहां आई थी इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरी, ये दिस इज माय इंड्यूस्ड, ये आ गई थी पॉजिटिव आ गई थी सॉल्व करके। जब पॉजिटिव आ गई है तो मैंने क्या पता रखा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सॉरी आपने कहा ये मेरी कॉइल थी, तो इस कॉइल में ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो आपने बनाई है फिगर। आप फिगर आपकी मर्जी, आप बीएच इधर दिखा दो, फिर इधर से एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे करना, उधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आपकी दिल करता वो काम करो आप, कोई डाउट हो। तो मैंने आज सिर्फ आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी मैंने नेगेटिव साइन कहां से आया, मैंने एक वर्ड लगा दिया था, द नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज़ लॉ, उसको मैंने कहा था आगे जाके पूरा एक लॉ बना देंगे, लेकिन अभी मैंने नेगेटिव साइन यूज करनी शुरू कर दी थी। तो मैंने आज सिर्फ एक ही आर्टिकल किया है जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको मैंने यू कैन से कोशिश की है पूरा बताने की, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।